क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना क्या पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ठीक है, तो हम कोसेक को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब मैं इसका क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, मतलब देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गए, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो है टोटल हो जाएगा एक्स हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इसका, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, पाई बाई टू, तो डीवाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,